वेलकम वंस अगेन दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पूनम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं भाई आपका अपने चैनल में। और दोस्तों आज की जो वीडियो है ना वो है टेस्ट, जिस टेस्ट का नाम सुनते ही बड़े बड़ों के कान गरम और खड़े हो जाते हैं। और रीजन यही है कि हम लोग आंकते हैं सफलता और फेलियर पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ना टेस्ट के ऊपर ही कि अपने स्टूडेंट्स के लिए हम लोग टेस्ट किस तरीके से रखें और कैसे टेस्ट में फेल होने के बाद भी अपने स्टूडेंट्स को हम मोटिवेट कर सकते हैं, उसी के ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। वो सुझाव मैं दूंगी और वीडियो पूरा सुनने के बाद अगर आपके पास भी इससे बेहतरीन कुछ और सुझाव है तो उम्मीद करती हूँ वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में देकर जाएंगे, जिससे आने वाली वीडियोस में मैं उन्हें जरूर शेयर करूँ। तो दोस्तों बात कर देंगे टेस्ट की। आप एक बात बताइए कि क्या कभी लाइफ में आपको टेस्ट देना पसंद था? बिल्कुल नहीं। किसी भी बच्चे को टेस्ट के नाम से ही डर लगता है, स्पेशली आपने कितना भी अच्छा लर्न करके आए हो फिर भी टेस्ट कॉपी हाथ में आते ही एक डर जो है वो बच्चे के मन में बैठ जाता है। और स्पेशली अगर वो एक न्यू स्टूडेंट हो फिर तो भैया उसकी हालत खराब हो जाती है। तो बस इस टेस्ट के डर को आपको भगाना है और वो भी नए बच्चों के मन से। आप जब किसी बच्चे को हफ्ते 10 दिन पढ़ाते हैं तो समझ जाते हैं कि बच्चे का स्तर कैसा है। तो ध्यान रहे दोस्तों, जब भी आप बच्चे को स्टार्टिंग डेज में टेस्ट दे रहे हैं तो ये ना आके कि तुझे कुछ नहीं आता, तू मेरे पास आया है, अब देखना तुझे सब सिखा दूंगा। इट मींस आपने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चंस इस लेवल के मार्क करके उस बच्चे के सामने सेट कर दिए कि आप उसे ये दिखा दे कि अब तक तो तुझे कुछ नहीं आता था, अब मैं तुझे कैसा धुरंधर बना दूंगा। यही गलती कर बैठते हो। और बहुत बार ये मैंने लाइफ में प्रैक्टिकली देखा है, तब ये एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बशर्त आपको करना क्या होता है उस सिचुएशन में कि बच्चा आपके पास आया है और आपको उसके सामने ऐसे क्वेश्चंस फेंकने हैं जिन्हें वो आसानी से लपक ले और वो लपकना उसका मनोबल बढ़ा देता है, आपके पास टिकने की उसकी एक वजह बना देता है। अब आप उस बच्चे से कह सकते हो, अरे वाह तुम्हें तो बहुत कुछ आता है भाई, वाह बहुत बढ़िया बच्चे, बस देखते हैं आगे कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनके ऊपर मुझे काम करना है, तुम तो बहुत कुछ पहले से ही सीख के आए हो। अब बच्चा आपसे जुड़ाव महसूस करता है, आपके साथ अपनी बॉन्डिंग अपनी कनेक्टिविटी फील करता है और सोचता है कि हाँ ये वो टीचर है शायद जो चीजें मुझे नहीं आती ना कि मुझे सिखा देगा और अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार हो जाता। तो दोस्तों जब भी आप टेस्ट लेना उस टेस्ट को कभी भी इस स्तर से ना आके कि मुझे इस बच्चे को फेल और पास करना है, हमेशा टेस्ट इस मोटिवेशन से लें कि मुझे इस बच्चे को आगे बेहतर कराने के लिए सीख देनी है। टेस्ट आपने देखा होगा नॉर्मल जब भी इवन बोर्ड एग्जाम्स में भी जब टेस्ट पास करने के लिए बनाए जाते हैं ना तो उसमें भी रखा जाता है मतलब हाई मेरिट स्टूडेंट, बिलो एवरेज स्टूडेंट, सबको ध्यान में रख के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो आपका टेस्ट भी ऐसा ही हो। और स्पेशली अपनी क्लास को तो स्टार्टिंग टेस्ट जो लेते हैं ना स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स के लिए, तो भैया वो ऐसे ही रखे कि जो बच्चे इजिली कर पाए। आप भी जानते हैं कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं एज अ टीचर उस टॉपिक में, उस चैप्टर में, उस सिलेबस में, तो वो चीजें कराएं, याद कराएं और वो टेस्ट में बार बार दें, तब बच्चा मोटिवेट हो जाता है। मैं जानती हूं अगर वो मोटिवेशन उसके पास होगा, उसे लगता है कि हाँ इस चैप्टर में से मुझे कुछ तो आता है, बस ये सीखना है मुझे, तो डेफिनेटली वो बुक उठा के बैठेगा। बट अगर उसे लग रहा है कि मुझे 100% में से सिर्फ 0.5% भी शायद आता है, तो इतना टाइम ही नहीं है मेरे पास कि मैं इस चैप्टर में दिमाग लगाऊं, इस सब्जेक्ट में घुसूं, तो बच्चा उस चीज को छोड़ देता है। तो कहीं ना कहीं हम टीचर्स गलती कर बैठते हैं, बच्चों की सीखने सिखाने की प्रक्रिया को स्पीड में लाने की जगह उस पर ब्रेक लगा देते हैं। उम्मीद करती हूं दोस्तों आप ये गलती बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे, और अगर कर रहे हो ना तो ये वीडियो देखने के बाद तो इसे करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, मेरी ये बात समझ में आई, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर बनता है, साथ ही मेरे इस फैमिली का पार्ट बन जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, आपके आसपास ऐसे टीचर्स जो ऐसी गलती कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे आए, आपने मुझे सुना, इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार देते हो, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।